टिकट काउंटर कहाँ पे है? टिकट काउंटर तो टिकट काउंटर यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह चार्ट वगैरह बना हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। कितना कितना प्राइस है पता नहीं चल रहा है। पर टिकट कैसे है? पर टिकट टिकट अच्छा एक वन वन ना ना पर पर्सन कैमरा का लगेगा टिकट कैमरा का कितना प्राइस है? 50 छोटा कैमरा, इसका कैमरा का जरूरत नहीं है तो DSLR भी तो सेम है ना। ओके तो टिकट का ये देख सकते हैं 50 रुपीज़ है ये प्राइस, आप देख जाएंगे। एक और अंदर गेट है ये और एक अंदर गेट नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, और काफ़ी सारा प्राइस है। इस्टेब्लिश 29 दिसंबर 1960। सामान घर कुछ अगर लेके आते हैं तो इसमें रख सकते हैं। बाहर से अगर प्लास्टिक बैग ला रहे हैं तो आपको अलाव नहीं होगा, यहाँ पे आप पेपर प्लास्टिक वाला यहाँ पर रखना पड़ेगा, आपको सारा पेपर बैग थैली आपको रखना पड़ेगा। और ऐसा कुछ लाइन होते जाएंगे अंदर आपको। एंट्री एंट्री गेट है ये, प्लास्टिक बोतल करके नहीं दो। वेलकम टू नंदन कानन चिड़ियाघर सुबह। जैसे ही आप इंटर करेंगे सामने में आपको ये मिलेगा। तो काफ़ी सारा भीड़ है, संडे है इसकी वजह से।
और यही इस पार्क का मैप लेआउट पूरा दिखाया गया है यहाँ पे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतने यहाँ पे अभी हैं हम लोग। यहाँ से अभी जाएंगे सीधा करके, यहाँ पर जाकर घूमते हुए जाना है, ऐसे करके जाना है, फिर ये रास्ता छोड़ के आपको वापस आ सकते हैं ऐसे। और बैक साइड में दिखाया गया है। हाँ बाबू बोलो, क्या हुआ? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट उधर होगा है ना? सेल्फी लेते हुए बाकी लोग देख सकते हैं। तो मैप में जो भी मैं दिखाया सारा कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, देखते हैं आगे का क्या क्या मुझे मिलता है। कुछ कुछ बना हुआ है बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे। स्लोथ बियर ऐसे छोटा मोटा सीढ़ी बनाया हुआ है इसके लिए, छोटा मोटा गुफा भी। पानी भरा देसी भालू, नाम है स्लोथ बियर। यहाँ पर 3 काउंटर बनाए गए इनके लिए, ये छोटे छोटे इनके चढ़ने कूदने के लिए, खेलने कूदने के लिए बनाए गए। नीचे देख सकते हैं पानी भरा हुआ ताकि ये बाहर न जा सके। ये आपको घूमता हुआ नजर आएगा, एक देखिए अंदर जा रहा है। इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर तक पकड़ सकते हैं दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर। भालू काफ़ी बड़ा होता है, छोटा मोटा ये बनाया हुआ है गुफा टाइप का सीढ़ी। आज मौसम ठीक है इसलिए निकला है ये हिमालयन वाला, काफी बड़ा है। ये देख सकते हैं नजदीक से आ गया। चाल देख रहे हैं दोस्तों, क्या मस्त चाल में आता है। लेपर्ड पैंथर, देखो ना।
बच्चे लोग आए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। मजा आ रहा है ना देखते हुए। अफ्रीकन लायन तो यह काफी बड़ा होता है। चलिए दिखाता हूँ मेरा फेवरेट हाइना, जो काफी दमदार है, शेर से कम नहीं है ये। स्ट्रिप्ड हाइना అంటే ఇది క్రూరం ఒకనే ఒకనే అంటే శాందార్ मजे लेते हुए इवनिंग का बचने के लिए रेडी। एक टाइगर का वैरायटी और रॉयल बंगाल मलायन इंडो चाइनीज साउथ चाइना ऐसा कुछ है। इंडियन ग्रे वोल्फ भी आपको देखने को मिलेगा। वो देखिए दो दो वहाँ पे हैं अंदर से, ये शानदार भगदड़ लगा रहे हैं। वाह देखिए इंडियन वोल्फ। तो वीडियो कैसे लग रही है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लग रहा है आप वीडियो में हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बीचों बीच एक बैठने के लिए बनाया गया है यहाँ पर, आप आके यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बनाना खाना यहाँ बना है, नज़ारा है यहाँ पर। शाम हो चुकी है, पूरी कवर जू मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी शाम के 5:25 हुई है, तो गाड़ियों के लाइट्स भी जल चुके हैं और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये लगभग खत्म हो गया।